friends today we will read the chapter 8 of history of classics and the chapter is the mauryan empire इस चैप्टर में हमने अब तक चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के बारे में पढ़ा आज हम पढ़ेंगे अशोका द्र अशोका द ग्रेट के बारे में स्टार्ट करते हैं अशोका द ग्रेटेस्ट ऑफ द मॉरियन किंग्स इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स इन हिस्ट्री ही इज आल्सो रिफर्ड टू एज अशोका द मौर्न एम्पायर में जितने भी रूलर्स हुए हैं चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों या बिंदुसार रहे हों उनमें से सबसे महान जो रूलर थे वो थे अशोका इसीलिए उन्हें अशोक द ग्रेट कहते हैं अशोक महान कहते हैं मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रेन कम्स फ्रॉम द वेरियस रॉक एंड पिलर दैट ही सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर सम्राट अशोक के बारे में हमें पता चलता है जो उन्होंने रॉक एडिक्ट पिलर एडिक्ट लगवा रखे थे अपने एम्पायर में उनसे हमें सम्राट अशोक के बारे में पता चलता है एडिक्ट क्या होते हैं जो कि सम्राट अशोक या जो भी जितने भी एम्प्रर्स होते हैं वो जो अपनी बातों को लिखवाते हैं पत्थरों पर या पिलर्स खम्भों पर उन्हें एडिक्ट बोलते हैं तो इस बहुत सारे एडिक्ट सम्राट अशोक ने भी लगवाए थे अपने साम्राज्य में और उन्हीं एडिक्ट से ही उनको स्टडी करके ही हमें सम्राट अशोक के बारे में पता चलता है दीज एडिक्ट द रीजनल लैंग्वेज और सम्राट अशोक ने जो एडिक्ट लिखवाए थे वो वहाँ के लोकल जो पीपल थे उनकी लोकल लैंग्वेज में ही उनको लिखवाया था जिससे कि लोग उसको आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें दे कन्वेड हिज मैसेजेस एंड आइडियाज टू हिजिक्ट डायरेक्टली वो सम्राट अशोक अपनी जो बात अपनी प्रजा से सीधे अपनी बात रखते थे उनको लोगों को अपनी बात समझाते थे और उनसे उन्हीं के लैंग्वेज में बात करते थे उनकी जो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज होती थी उन्हीं में उनसे बात करते थे जिससे कि लोगों को उनकी बातें समझ में आ सकें और उनको वो फॉलो भी कर सकें बिंदुसार द फादर ऑफ़ अशोका हैड ऑलरेडी सेटअप अ वास्ट एम्पायर बिंदुसार जो कि सम्राट अशोक के फादर थे उन्होंने पहले से ही पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था मोस्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उन्होंने मॉरन एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया था अशोक का गवर्न हीज वर्स्ट एम्पायर वेल एंड ही ऑल्सो एनेक्स द किंगडम ऑफ कलिंग एंड ब्रॉड इट अंडर हिज रूल सम्राट अशोक ने उनके द्वारा स्थापित इतने बड़े से साम्राज्य को बहुत अच्छे से चलाया वहाँ की शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से मैनेज किया और उसके बाद जो सदन पार्ट रह गया था इंडिया का और जो कलिंग का पोर्शन रह गया था उसमें से कलिंग के एरिया पर भी उन्होंने विजय प्राप्त करी और उसको अपने मौर्यन एम्पायर के अंदर लेकर आए और वहां पर भी शासन अशोक ने कलिंग को जीता और उसे मौर्यन साम्राज्य के अंदर लेकर आए इसके बाद हम पढ़ेंगे कलिंग वॉर के बारे में कि कलिंग वॉर क्या था कैसे हुआ और इसका रिजल्ट क्या रहा कलिंग वॉज द वेरी पावरफुल किंगडम कलिंग एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था इट वॉज एन इम्पोर्टेंट एरिया एज इट द सी एंड कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया कलिंग इसलिए भी इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसका जो ईस्टर्न कोस्ट था वो समुद्र से लगा हुआ था और उससे व्यापार होता था विदेशों में मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ इंडिया में भी इन अबाउट टू हंड्रेड सिक्सटी बी सी अशोका अटैक्ड कलिंग एंड वॉ सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग इट अंडर हिज रूल 260 BCE में अशोक ने कलिंग पर अटैक किया और उसे सक्सेसफुली मौर्य एम्पायर में कंक्लूड कर लिया दिस बैटल वॉज वेरी ब्रूटल और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल बैटल था मतलब कि कह सकते हैं कि इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध में से एक गिना जाता है अशोका वॉज सो डिस्टर्ब एंड एंड आफ्टर दिस वॉर दैट ही डिसाइडेड टू गिव अपलेंस और इसका जो रिजल्ट था उसको देख कर जो भी इसके आउटकम्स uh, आ रहे तो उनको देखकर अशोक इतने सैड हुए कि उन्होंने उस युद्ध के बाद युद्ध करना ही छोड़ दिया ही बिकेम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ बुथिज्म और uh, कलिंग युद्ध के खत्म होने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया दिस वॉर वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अशोकस लाइफ और ये जो कलिंग का वॉर था ये सम्राट अशोक की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था कलिंग की पूरी स्टोरी ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार इन दोनों ने ही कलिंग पर अटैक किया उसे मौर्य एम्पायर में मिलाना चाहा मिलाना इसलिए चाहते थे वो उसे मौर्य एम्पायर में क्योंकि कलिंग की जो लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी वो कोस्टल एरिया पे था समुद्र के किनारे था जिससे कि ये ट्रेड बहुत अच्छे से कर सकते थे अदर कंट्रीज़ के साथ में और साउथ इंडिया में भी सम्राट अशोक के पास नेवी सिस्टम भी था इसलिए वो चाहते थे कि हम कलिंग पर अपना अधिकार कर लें और वहाँ से अपने व्यापार को और भी ज़्यादा ग्रो करें कलिंग का जो लोकेशन था वो फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था बहुत अच्छा फॉरेस्ट एरिया था जिसमें उनको अपनी सेना में रखने के लिए हाथी भी मिल जाते और भी उनको नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से मिल जाते इसलिए भी वो कलिंग पर अपना शासन करना चाहते थे कलिंग का जब युद्ध हुआ तो उस समय वहाँ के जो राजा थे वो थे राजा अनंत पद्मनाभ और वहाँ पर जब अटैक किया गया तो उस अटैक में लगभग लग डेढ़ लाख लोग मारे गए और एक लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया और ये जो युद्ध हुआ था इतना ज़्यादा भयानक था कि इसमें युद्ध करने के बाद जब लोगों ने देखा जो भी बचे खुचे लोग थे उन्होंने देखा तो जिधर भी जिध, जहाँ तक भी उनकी नज़र जाती थी वहाँ तक सिर्फ उनको खून ही खून दिखाई देता था वहाँ से पास में ही कलिंग के एरिया के पास से ही एक नदी बह कर जाती थी तो उस नदी का पानी भी पूरा खून की वजह से लाल हो चुका था तो इतने डेंजरस वॉर को लड़ने के बाद सम्राट अशोक ने जब लोगों को रोते बिलकते देखा तो और सब तरफ मांस देखा खून देखा तो उनको लगा कि आज के बाद मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो युद्ध था उसके रिजल्ट को देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और अंदर से उस चीज़ ने उनको झकझोर के रख दिया जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और उस युद्ध के बाद उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और बौद्ध धर्म अपना लिया और बिना युद्ध लड़े भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया लोगों को अच्छी बातें बताई धर्म की बातें सिखाई अब पढ़ेंगे अशोका धम्मा अशोक के धर्म के बारे में अशोका वॉज अ फॉलोअर बुद्धिज्म एंड ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाई इट सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और लोगों को भी इन्होंने बौद्ध धर्म की बातों को सिखाया एट द सेम टाइम ही ऑल्सो रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स और ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया तो वो सिर्फ बौद्ध धर्म की रिस्पेक्ट करते थे वो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ साथ बाकी सभी धर्मों को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट दी सभी धर्मों का सम्मान करते थे फ्री टू फॉलो वॉट एवर रिलीजन दे लाइक बट दे हैड टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स लोग जो भी धर्म को फॉलो करना चाहते थे कर सकते थे लेकिन उन्हें दूसरे धर्मों का भी बराबर सम्मान करना होता था अशोका सेंट स्कॉलर्स एंड ऑफिसियल्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म सम्राट अशोक ने दूसरे देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया इसके लिए उन्होंने जो ऑफिसियल्स को रखा था जो विद्वानों को रखा था वो दूसरे देशों में जाकर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे His messengers travel not only ट्रेवल नॉट ओनली इन इंडिया बट other टू वेरियस अदर Egypt, Syria एंड ग्रीस उनके जो मैसेंजर्स थे जो कि धर्म की बातों को लोगों तक पहुंचाते थे उन्होंने सिर्फ भारत में ही गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया या सम्राट अशोक के धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया बल्कि भारत के बाहर भी जैसे कि इजिप्ट हो गया सीरिया हो गया ग्रीस हो गया मकदूनिया हो गया और भी कंट्रीज में इन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी इन्होंने इस धर्म के प्रचार में लगा रखा था ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संग मित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म अपने बच्चों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने श्रीलंका भेजा इनके बेटे का नाम था महेंद्र और इनकी बेटी थी संगमित्रा। दोनों को इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही सेटअप स्तूपाज एंड विहाराज फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्ग्स जो इन्होंने स्तूप और विहार बनवाए थे बौद्ध धर्म के जो साधु थे उनके रहने के लिए वहाँ पर वो लोग रहते थे मेडिटेशन करते थे और लोगों को वहाँ से गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को देते थे तो इन्होंने कई सारे स्तूप और विहारों का निर्माण कराया ही लेट द फाउंडेशन फॉर द सांची स्तूपा इन्होंने सांची स्तूप की नींव भी रखी ही ऑल्सो कन्वेंट अ बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र इन्होंने पाटलिपुत्र में बौद्धिस्ट काउंसिल भी अरेंज की धम्मा इज अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी धम्मा एक प्राकृत प्राकृत वर्ड है जो कि संस्कृत वर्ड धर्म से बनाया है जिसका मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी धार्मिक सेवा द प्रिंसिपल्स ऑफ अशोका धम्मा प्रीस्ट द राइट वे ऑफ लाइफ और कोड ऑफ कंडक्ट अशोक का जो धर्म था जिसे प्राकृत लैंग्वेज में धम्मा बोलते हैं तो जिसमें यह बताया गया कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए एक सही तरीके से जीवन जीने को बताया इट डिड नॉट इन्वॉल्विप ऑफ एनी गॉड और परफॉर्मेंस एनी सैक्रीफाइस अशोक के धम में किसी भी भगवान की पूजा करना नहीं बताया गया या फिर किसी भी तरह के सैक्रीफाइस बलि देना यज्ञ करना ये सब कुछ भी नहीं बताया गया इट फॉलोड वेरियस प्रिंसिपल्स एंड एज नॉन वायलेंस रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस अशोक के धर्म में सिर्फ अच्छी बातों को इंक्लूड किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि हमें कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए किसी भी जीव जंतु की को पीटना नहीं चाहिए सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए सम ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अशोका धम्मर अशोका के धर्म के कुछ मेन सिद्धांत जो मेन प्रिंसिपल्स है वो नीचे दिए गए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल इज पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मोनी लोगों को आपस में शांति से और मिलजुल कर रहना चाहिए दे शुड रिस्पेक्ट ऑल जितने भी हैं उतने सभी religions की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कभी भी किसी भी किसी रिलीजन को छोटा या बड़ा नहीं बोलना चाहिए दे शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे दियर एल्डर्स अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए दे शुड फॉलो अहिंसा नॉन वायलेंस टूवर्ड्स ऑल लिविंग थिंग्स जितने भी लिविंग थिंग्स है चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी एनिमल हो सभी की या कोई भी इंसान हो जितने भी लिविंग थिंग्स सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी को भी को भी जीव जंतु मारना नहीं चाहिए दे शुड स्पीक द ट्रूथ और हमेशा सच बोलना चाहिए दे शुड बी काइंड टू एवरी वन इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स हमें सभी लोगों के प्रति दयावान होना चाहिए चाहे वो हमारे नौकर ही क्यों ना हो तो ये सभी अशोका के धर्म की बातें हैं जो कि उन्होंने लोगों को समझाई और ये लोगों को उनकी लोकल लैंग्वेज प्राकृत में बताते थे जिससे कि लोग उनको आसानी से समझ सके और अपने जीवन में शामिल भी कर सकें इनमें से इन प्रिंसिपल्स में से मेन प्रिंसिपल था उनका हमेशा सच बोलना अहिंसा को फॉलो करना और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको कभी भी हार्म नहीं करना और सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देना अशोक वॉन्टेड पीपल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द धम्मा अशोक ये चाहते थे कि लोग उनके धर्म की बातों को समझें और उनको फॉलो भी करें ही द धम्मा प्रिंसिपल्स हिमसेल्फ और अशोक भी भी उन बातों को खुद फॉलो करते थे ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स धम्मा हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धम्मा अमंग द दीपुल धर्म की बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने कुछ ऑफिशियल्स कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था जिन्हें धम्मा महाम्राज कहते हैं इनका काम होता था धर्म की बातों का प्रचार प्रसार लोगों तक करना और ये धर्म की बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे इंडिया में भी ट्रैवल करते थे और इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज में भी जाते थे जिससे ये लोगों को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सम्राट अशोक की बातों को उनके धर्म को समझा सके और उन्हें सही रास्ते पर ला सके उनके जो प्रॉब्लम्स थी उनकी जो तकलीफ थी उनको भी कम कर सके अशोका बिल्ड रोड्स प्लांटेड ट्रीज अलॉन्ग द साइड्स सेवा करना चाहते थे उन्होंने किन किन तरीकों से अपने जनता की सेवा करी उन्होंने सड़क बनवाई प्लांटेड ट्रीज अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड फॉर सेड और सड़क के दोनों किनारे पर छाया के लिए उन्होंने पेड़ लगवाए और वो जो पेड़ थे वो फलदार वृक्ष होते थे जिससे कि जो भी ट्रैवलर्स होते थे या जो भी व्यापारी होते थे उन रास्तों से आते जाते थे वो भूख लगने पर उन फलों को खा सकें कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउसेस फॉर ट्रैवलर्स और उन्होंने जो लोग थे व्यापारी वर्ग होता था जो कि व्यापार करने एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते थे उनके ठहरने के लिए रेस्ट हाउस सराय भी बनवाई सेटअप हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स और सम्राट अशोक ने जानवरों के लिए और इंसानों के लिए हॉस्पिटल्स भी खुलवाए जहाँ पर उनका उपचार किया जा सके द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था उनकी जनता की सेवा और जिसको उन्होंने बखूबी निभाया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार लोगों तक किया